चलो आज एग्जाम्पल 16 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 16 डन हो गया, अटक गए। स्टार्ट करने से पहले इसमें अगर आप पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का अरेंजमेंट बताना है, राइट। तो मैं एक पॉइंट बता दूं, पहले तो यहाँ पर फुल स्टॉप है, इसका मतलब पहले तो ये एक अपने आप में क्वेश्चन है, ये चार पार्ट तो है ही है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले यहाँ निकालना था, बच्चा ये पॉइंट भूल जाता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले इंडिपेंडेंस की हाउ लिख ले, आई एन डी ई पी ई एन डी पी एन सी ई, कैसे करूँ बेटा बता सकते हो, कितने की अरेंजमेंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बोलो यहाँ तक क्लियर है, 12, तो क्या बन जाएगी 12 फैक्टोरियल अपॉन, मेरे को रिपीट कौन कौन रिपीट हो रहे हैं, सही पे लिख लो, एन हो रहा है, एन 3 times, ई 4 times और डी, डी कितने टाइम्स, 2 times, बस और तो कहीं नहीं, और कोई नहीं है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 factorial 2 factorial 4 factorial, बोलो यहाँ तक क्लियर, यस और नो, ओके आगे चलते हैं। डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, वर्ड क्या हो जाए पी से शुरू हो जाए, वर्ड पी से शुरू हो, बेटा क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन में बताया क्या करना पड़ेगा, पी की पोजीशन फिक्स कर दी यानी 1, तो बाकी कितने अरेंज करने हैं, 11, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा, देख जब पी रख दिया तो पी को हिलाना अपनी जगह से ना, तो कितने की अरेंजमेंट होगी, 11 फैक्टोरियल, क्लियर है, बस नहीं अपॉन में रिपीट नहीं हो रहा यहाँ पर, इसमें इसमें पी के अलावा बाकी सारे रिपीट भी तो हो रहे, तो क्या हो जाएगा अपॉन में व्हाट, 3 factorial 2 factorial 4 factorial, बोलो बेटा पॉइंट क्लियर। सेकंड पार्ट, डू ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, सारे वॉवल्स एक साथ आए, वॉवल्स एक साथ है बताइए, एग्जैक्टली देखिए, आई ई ई ई ई, क्या करूं इसको, हम एक कंसीडर करते हैं, याद है मैंने जब अकर टुगेदर बताया था, जब अकर टुगेदर क्या करो उसको, एक मान लो, ओके अब बताओ कितने की अरेंजमेंट करनी है मेरे को, कितनी करनी है, 7 कैसे, इसको एक काउंट करना है, नहीं ये बात समझ भाई, समझो मेरे पास आई ई ई ई ई, इनको एक काउंट करना है, कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इज कंफ्यूज, इसको 1 काउंट करना है ना, भाई सिंपल से लैंग्वेज में बोलूं, 12 12 माइनस 5, आप यही कर रहे होगे 7, पर इसको एक काउंट करने तो +1, तो कितने की अरेंजमेंट करनी है मेरे बच्चा, 8 factorial अपॉन में, पहले बताओ इसको भी छोड़ के कोई रिपीट हो रहा है, इसमें हो रहा है, समझाता हूँ कैसे, यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, आई कितना है, 1, सी कितना है, एक बार चेक कर ले टोटल, 3 4 9 10 11 12, ठीक है, अब उसने कहा वॉवल्स देख बेटा इसको कितना काउंट करना है, तो तो पहले क्या हो गया, 8 factorial, यस और नो, अभी इस 8 में कोई रिपीट वाला है, काउंटेड है इसमें कोई रिपीटेशन, ठीक है इसको वन काउंट करना, अभी इसकी बात नहीं कर रहे, पहले बात क्या बता, ओके और अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो पैकेज लिया था जिसको वन काउंट कर रहा था, इसकी अरेंजमेंट करो,
इसके अरेंजमेंट क्या बनेगी अक्षदीप बताओ, ये कितने हैं? इसको वन काउंट कराता ना, इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी? वन हो जाएगा। आप बताओ इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी? फाइव फैक्टोरियल। बेटा कितने आइटम्स है? पांच है, फाइव फैक्टोरियल। क्लियर, सॉल्व कर देना आ जाएगा। चलो क्लियर इतना, अब असली क्वेश्चन आएगा। हाँ जी ऑनलाइन में आए, बोलिए कहाँ से? 8 फैक्टोरियल, ये वाला दोबारा एक्सप्लेन करूँ? 8 कैसे आया बेटा? हमने वॉवल्स को वन काउंट करा है, करा ठीक है, ये एक हो गया। कितने रह गए आपके? तीन एन रह गए, एक पी एक सी, कितना हो गया? 3 + 2 6 7 8 क्लियर हो गया। रिपीट करते हैं, कैसे पता लगा है? ये ऊपर लिखा हुआ है नंबर, ये 3 है, ये 2 है, ये तो और फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय पैकेज। पैकेज किसको बनाया था? इसका बनाया था ना, जिसको पैकेज मतलब जिसको कंबाइन करा था। फोर फैक्टोरियल, क्लियर है बात? चलो एक काम करो, क्या थर्ड समझा दूं? वॉवल, अच्छा ये रह गया, ओके ओके थर्ड रह गया, मेरे को लगा मैंने करा दिया, थैंक यू। वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, कभी भी वॉवल्स एक साथ ना आए, तो मैंने याद बताया था अकर, नेवर अकर टुगेदर का क्या होता है? टोटल माइनस अकर टुगेदर। अभी क्वेश्चन में दूंगा, कर लेना। वॉवल्स कभी एक साथ ना आए, नेवर अकर टुगेदर। टोटल माइनस अकर टुगेदर, राइट? अब टोटल कितना है? ये रहा 12 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अकर टुगेदर कितना है एक साथ? 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर? डू द वर्ड बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। वर्ड क्या हो? आई से शुरू पी पे खत्म। बोलो कितने की अरेंजमेंट करनी है? 10 की। भाई देखो स्टार्टिंग की प्लेस फिक्स, लास्ट की प्लेस फिक्स, कितने रह गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब अरेंजमेंट कितनी करनी है बेटा बीच में? 10 की। नहीं समझ आई नहीं आगे तो क्या हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन में, रिपीटेशन है यहाँ पर, इसमें किसकी? पी की। पी की क्या है? एन की है ना, 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यस और नो? एक क्वेश्चन देता हूँ, मिसिसिपी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई गेस 10 है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ राइट नाउ, क्वेश्चन नंबर 10 मिसिसिपी, आपको फिर कॉन्सेप्ट आएगा इससे। क्वेश्चन 10 क्या है? इन हाउ मेनी वेज ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ द लेटर्स इन मिसिसिपी डू 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मेन पॉइंट पे आते हैं, चारों आई एक साथ नहीं आने चाहिए। तो पहले एक काम करें, लिखी ले सारी डिटेल्स। एम कितने टाइम्स है? आई कितने टाइम्स है? एस टी चार आई एक साथ ना आए, क्या करें?
देखो सिंपल टेक्निक, नॉट अकर टुगेदर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल माइनस अकर टुगेदर। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अकर टुगेदर क्या करो, किसको अकर टुगेदर करना है? क्लियर? इनको एक काउंट कर लो, क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 4 5 6, ये कितना? 7 8। क्लियर? तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल। पहले इसमें चेक करो कोई रिपीटेड है, कोई है? एस और पी कितना? 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्या रिपीटेशन है ना? बट एक काम करना, आगे से आपको टेक्निक बताता हूँ। आपने इसको वन काउंट कर लिया ना, अब जरा एक काम करो, बाकी सारे लिख लो क्या क्या बना। आपके पास एम कितना है? वन टाइम। आई वाले कितने हो गए? वन। अभी इसको देखना, अभी नए वाले को। एस कितना हो गया? और पी, अब इसमें बताओ 8 हो गए? यस और नो? अपॉन रिपीटेशन एस और पी की कितनी? 4 फैक्टोरियल एंड। वेट, ओ मत करो, भी अभी खत्म नहीं हुआ। अब जो जिसको कंबाइन करा था, जिसको एक काउंट करा था, कौन था? एक आई। इसकी अरेंजमेंट कर दो, इसकी अरेंजमेंट क्या बनेगी? 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। क्लियर? अब आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में क्यों आया? बेटा आई कितने थे? 4। आई कितने है? 4। रिपीटेशन 4 की। तो मैं आपको बता दूं, बुक्स ये चीज लिखती नहीं है, बुक्स ये चीज लिखती नहीं कि भैया आई चार बार आ रहा है, चार बार आई, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। क्लियर? अब आते हैं असली इसके ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन पे। सॉल्व अपने आप करते रहना। आज क्वेश्चन 11 मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट